साउथ दिल्ली के साकेत के एक रेस्टोरेंट में एक युवक की चाकुओं से गोद कर हत्या कर दी गई है। घटना साकेत के नुक्कड़ वाला रेस्टोरेंट की है, जहां रेस्टोरेंट में काम करने वाले हेमंत कुमार पर साथ काम करने वाले साथियों ने ताबड़तोड़ हमले कर हेमंत की जान ले ली। बताया जा रहा है कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची मालवीय नगर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए होटल के सुपरवाइजर समेत 3 लोगों को हिरासत में लिया है। गया था 4-5 बजे, अब यहाँ पर आती है, पता पड़ी जैसी लड़का आया तो पता पड़ी ऐसे से बात होगी, हमें तो ये बताएगा हाथ मिला, उसके हाथ में यहाँ छुरी का निशान है, जो रोका होगा उसने छुरी का निशान है, ये रोका होगा। दूसरा कहाँ पर चाकू लगा? एक चाकू यहाँ लगा हुआ, दूसरा छाती के अंदर घुसा हुआ है, अंदर घुसा हुआ बिल्कुल। और जम आए तो वो खत्म था, वो लड़का जो हमें लेके आया था वो कह रहा खाली चोट पे। बहरहाल पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगाल कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। दिल्ली से आशुतोष कुमार के साथ प्रियंका की रिपोर्ट, नवोदय टाइम्स।